राजस्थान पर और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। केंद्र सरकार ने 7 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया है। अटल जी का पार्थिव शरीर कृष्ण मेनन मार्ग, जो कि निवास स्थान है अटल जी का, वहां पर रखा गया है, जहां न सिर्फ बीजेपी के नेता बल्कि दूसरे दलों के नेता भी श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंच रहे हैं, श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे हैं। अमित शाह तस्वीरों में दिख रहे हैं बीजेपी अध्यक्ष, प्रधानमंत्री के बाद उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कृष्ण मेनन मार्ग पर अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, अटल जी के जाने से एक युग का अंत हो गया है। देश के अंतर्मन को स्वर और शब्द देने वाले, देश के भविष्य को दिशा देने वाले हम सभी के प्रेरणा स्रोत सदैव अटल जी अब नहीं रहे। अटल जी के रूप में भारतवर्ष ने आज अपना अनमोल अटल रत्न खो दिया है। अटल जी का विराट व्यक्तित्व और उनके जाने का दुख दोनों ही शब्दों के दायरे से परे हैं। वो एक जननायक, प्रखर वक्ता, ओजस्वी कवि, पत्रकार, प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व के धनी और सबसे बढ़कर मां भारती के सच्चे सपूत थे। उनके निधन से एक युग का अंत हो गया है। पूर्ण राष्ट्र के लिए अपूर्णीय क्षति है। मेरे लिए तो अटल जी का जाना पिता तुल्य संरक्षक का साया सिर से उठने जैसा है। उन्होंने मुझे संगठन और शासन दोनों का महत्व समझाया, दोनों में काम करने की शक्ति और सहारा दिया। वे जब भी मिलते थे पिता की तरह खुश होकर आत्मीयता के साथ गले लगाते थे। मेरे लिए उनका जाना एक ऐसी कमी है जो कभी भर नहीं पाएगी। अटल जी ने अपने कुशल नेतृत्व और अविरत संघर्ष के द्वारा जनसंघ से लेकर के भाजपा तक इन संगठनों को मजबूती के साथ खड़ा किया। उन्होंने भाजपा के विचारों और नीतियों को देश में जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया। उन्हीं के दृढ़ निश्चय और कठिन परिश्रम का परिणाम है कि आज भाजपा की यात्रा यहां तक पहुंची। अटल जी भले ही हमें छोड़कर चीर निद्रा में लीन हो गए हो, लेकिन उनकी वाणी, उनका जीवन, उनकी सादगी, उनके विचार, उनका दर्शन हम समस्त भारतवासियों के लिए हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। उनका ओजस्वी, तेजस्वी और यशस्वी व्यक्तित्व सदा हम देशवासियों का मार्गदर्शन करता रहेगा। अपार शोक की इस घड़ी में मेरी संवेदना उनके परिवार और समस्त देशवासियों के साथ है। इस दुख की घड़ी में मैं
अटल जी के चरणों में आदर पूर्वक अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। तो दोस्तों अब जल्दी से इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हमारे इस चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच हमारी वीडियो देखने के लिए।